जल है तो जीवन है, जीवन है तो ये पर्यावरण है, पर्यावरण से ये धरती और इस धरती से हम सब हैं। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू किए गए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पुष्कर धरोहर योजना के तहत वृहद स्तर पर मध्य प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश में मुखिया शिवराज सिंह चौहान पुष्कर सरोवर योजना को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के तहत पानी की जरूरतों को पूर्ण कर रहे हैं, बल्कि इन सभी तालाबों से ग्रामीण अंचलों में खेती की सिंचाई, सिंघाड़ा उत्पादन, बागवानी, पेयजल, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण और जल संवर्धन जैसे कार्यों के लिए भरपूर पानी भी मिल रहा है। साथ ही आसपास के लोगों के लिए आजीविका के साधनों में भी वृद्धि हुई है। इस योजना में सरकार के साथ साथ कई स्वयं सहायता समूह और आम जनमानस भी कंधे से कंधा मिलाकर इस अमृतदायी योजना को मूर्त रूप देने में सहयोगी बनकर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल संरक्षण की नई इबारत गढ़ रहे हैं। जनपद पंचायत मानपुर के ग्राम पंचायत डोडका में 55,000 घन मीटर क्षमता वाले सरोवर से 10 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। इस जीवनदायी योजना से लगभग 50 क्विंटल मत्स्य उत्पादन के साथ साथ सिंघाड़ा उत्पादन सहित अन्य गतिविधियों के लिए भी प्रत्येक जिले में न्यूनतम 100 जल संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। बांधवगढ़ हमारे जिले का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और हमारे जिले उमरिया में वृक्षों का आच्छादन बहुत अच्छा है, परंतु पिछले कुछ समय से ये महसूस किया जा रहा था कि यदि हम पानी का संरक्षण बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है कि हमारे जो जंगल, जो हमारी पहचान है हमारे ज़िले की, वो धीरे धीरे विनाश की ओर चले जाएं और शायद हम भी एक मैदानी ज़िले जैसा हो जाएं। परंतु शासन की ये अभिनव योजनाएं जो आई हैं, अमृत सरोवर और पुष्कर धरोहर, इन्होंने पिछले कुछ समय में बहुत ही अच्छा काम किया है। अमृत सरोवर के अंतर्गत हमारे यहाँ 103 तालाब स्वीकृत किए गए, जिनमें से 30 पूर्ण हो चुके हैं, और जो 30 तालाब पूर्ण हुए हैं उन्हें देखते ही बनता है, आसपास के गांव वालों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि यहाँ जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो हमारे लिए खेती के काम भी आएगा, हमारे लिए वृक्षों के संरक्षण में भी काम आएगा। इनके लिए बजट की कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य मनरेगा सहित अन्य शासकीय योजनाओं के माध्यम से कराए जा रहे हैं, ताकि उत्कृष्ट कार्य के साथ ग्रामीणों को रोजगार के अच्छे अवसर भी मिल सकें। पुष्कर धरोहर वरदान साबित हो रही है, जो यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करके पर्यटन को बढ़ाने के साथ साथ सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय बढ़ाने का काम भी कर रही है, जिससे हर हाथ को काम मिल रहा है। जल संरक्षण है हम सबका सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना।